वेलकम फ्रेंड्स इन letstalkengineers.com। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि कीवर्ड डेंसिटी और इसके चेक करने के कौन कौन से टूल्स हैं। वैसे तो फ्रेंड्स कीवर्ड डेंसिटी को चेक करने के लिए बहुत से टूल हैं, बट मैंने उसमें प्रैक्टिकल बेस आपको बताया कि कैसे आप कीवर्ड डेंसिटी को चेक कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी चाहते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो पर विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज हमारी वीडियो बाउंस रेट पर होगी कि कैसे हम बाउंस रेट को डिक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज करने के लिए कौन कौन से टिप्स हैं। पहले हम बाउंस रेट के मीनिंग के बारे में देखेंगे कि बाउंस रेट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाउंस रेट, बोनस रेट सिंगल पेज सेशन का परसेंटेज होता है कि कोई विजिटर्स जब आपकी साइट पर आता है तो वो आपकी साइट पर कितनी देर कितने टाइम तक रुकता है और कितने पेज को ओपन करता है, उसके रीड करता है ओपन करने के बाद। इसके आधार पर ही बाउंस रेट की परसेंटेज शो होती है। बाउंस रेट ज़्यादा होने का मतलब है कि आपकी साइट पर आए विजिटर्स ज़्यादा हैं लेकिन वो विजिटर्स आपकी साइट को खोलने के बाद उसे तभी बंद कर देते हैं, उसे बिना रीड किए आपकी साइट के लिए सही नहीं है वो। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमें कितनी बाउंस रेट परसेंटेज रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आपकी बाउंस रेट 25-35% के बीच होनी चाहिए। अगर आप बाउंस रेट चेक करना चाहते हैं, पता करने जाते हैं, तो इसके लिए बहुत से टूल्स हैं बाउंस रेट को चेक करने के लिए। वैसे भी फ्रेंड्स जब आप बाउंस रेट को चेक करो और बाउंस रेट वेबसाइट की बाउंस रेट को चेक करो और अगर आप देखो कि आपकी बाउंस रेट वेबसाइट की बाउंस रेट 25% से कम है तो आपकी साइट पर की साइट को लोग बहुत पसंद करते हैं। अगर आपकी बाउंस रेट ज़्यादा है तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे जिनकी हेल्प से आप उनको डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके आप बाउंस रेट को डिक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव योर वेबसाइट लोडिंग स्पीड, लोडिंग स्पीड। नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन इंटरनल लिंक स्ट्रेटजी। नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन रेलिवेंट एंड हाई क्वालिटी कंटेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन राइट बेटर हेडिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन प्रॉपर फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज मेक ऑल एक्सटर्नल लिंक्स ओपन इन ए न्यू विंडो। नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन ग्रेट डिजाइन। देखिए फ्रेंड्स आपको ये 7 पॉइंट्स फॉलो करने हैं अपनी बाउंस रेट को डिक्रीज करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स ये वाले पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं। अब हम फर्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इम्प्रूवमेंट योर वेबसाइट लोडिंग स्पीड। रैंकिंग को इंक्रीज करने के लिए और बाउंस रेट को डिक्रीज करने के लिए आपको वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को इम्प्रूव करना चाहिए। सेकेंडली हम कह सकते हैं कि वेबसाइट लोडिंग स्पीड इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। आपकी वेबसाइट की स्पीड 1 सेकेंड से कम होनी चाहिए तो आपकी वेबसाइट परफेक्ट है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि कितनी परसेंटेज को क्या कहा जाता है। देखिए
वेबसाइट लोडिंग स्पीड, अगर आपकी स्पीड बिलो 1 सेकेंड है तो आपकी वेबसाइट परफेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, 1 से 3 सेकेंड के अंडर एवरेज, अबव एवरेज है। नेक्स्ट, अंडर 3 से 7 सेकेंड एवरेज है। और नेक्स्ट, 7+ सेकेंड वेरी पुअर, अगर आपकी वेबसाइट 7 सेकेंड से ज़्यादा समय ले खुलने में तो आपकी वेबसाइट वेरी पुअर है। तो फ्रेंड्स, आपको अपनी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को इम्प्रूव करना चाहिए। कोई भी वेबसाइट को लाइक नहीं करता अगर आपकी वेबसाइट खुलने में ज़्यादा टाइम लगाए। इंटरनेट पर बहुत से टूल्स हैं अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से आप पेज की लोडिंग स्पीड को चेक कर सकते हैं। फोकस ऑन इंटरनल लिंक स्ट्रेटजी, सेकेंड पॉइंट। मैं आपको पहले भी बताया था कि लिंक्स एक ग्रेट टेक्निक है SEO के अंदर। जो भी आप अपने कंटेंट में लिंक्स देते हैं इसे इंटरलिंक कहा जाता है, वो कंटेंट से मैच होने चाहिए। लिंकिंग करते टाइम ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। अगर आप कंटेंट में लिंक्स को यूज़ करते हैं तो बाउंस रेट को डिक्रीज करने के लिए ये सक्सेसफुल पॉइंट है। सो फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्स को अपनी वेबसाइट के कंटेंट में इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, फोकस ऑन रेलिवेंट एंड हाई क्वालिटी कंटेंट। फ्रेंड्स, मैंने आपको कंटेंट की क्वालिटी के बारे में पहले भी बताया था कि आपको कैसा कंटेंट बनाना चाहिए। बाउंस रेट को कम करने के लिए जे बेस्ट पॉइंट है, आपका कंटेंट यूनिक और अप टू डेट होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको शॉर्ट पैराग्राफ्स और सब हेडिंग्स भी बनाने चाहिए। और इसके साथ ये भी ध्यान देना चाहिए कि आपको अननेसेसरी वर्ड्स को इंक्लूड करके अपने कंटेंट को इंक्रीज नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम इसी वर्ड्स को दोबारा रिपीट कर दें, जैसे हेडिंग्स दोबारा फिर से लिख दें, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अननेसेसरी वर्ड्स इज नो वैल्यू इन SEO आर्टिकल्स। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन राइट पैटर्न हेडिंग्स। अगर आप हेडिंग को प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं तो आप बाउंस रेट को डिक्रीज करने में सक्सेसफुल होंगे। अगर आप कोई मेन हेडिंग रखना चाहते हैं तो आप हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 3 के अंदर कोई भी चूज कर सकते हैं। H1 मीन्स हेडिंग 1, H2 हेडिंग 2, H3 मीन्स हेडिंग 3। और अगर आपने कोई भी सब हेडिंग बनाना है तो आप उसके लिए H4, H5, H6, H4 मीन्स हेडिंग 4, H5 मीन्स हेडिंग 5 एंड H6 मीन्स हेडिंग 6 की यूज से आप सब हेडिंग बना सकते हैं। अगर आपने डिस्क्रिप्शन शो करनी है तो आप पैराग्राफ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप बाउंस रेट को डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, फोकस ऑन प्रॉपर फॉर्मेटिंग। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। आपको पहले से ही हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, नंबर्स, बुलेट्स, इमेजेस और वीडियोस की ओर ध्यान देना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको फॉर्मेट भी अच्छा बनाना चाहिए। कंटेंट को अच्छा बनाने के लिए आप बोल्ड इंटैलिक, जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बोल्ड इंटैलिक्स अंडरलाइंस वाली ऑप्शंस को भी यूज़ करना चाहिए और अपने कंटेंट को अफेक्टिव बनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, मेक ऑल एक्सटर्नल लिंक्स ओपन इन ए न्यू विंडो। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि लिंक्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक तो इंटरनल जिसे हम इंटरलिंकिंग कहते हैं और दूसरा एक्सटर्नल लिंक्स जो कि दूसरी वेबसाइट पर दिए जाते हैं। जब कोई विजिटर्स उस वेबसाइट पर आता है और दूसरी वेबसाइट से हमारे वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करके हमारी विजिट पर हमारी वेबसाइट पर आता है तो उसे एक्सटर्नल लिंक कहते हैं। आपको एक्सटर्नल लिंक्स भी यूज़ करने चाहिए बाउंस रेट को डिक्रीज करने के लिए। ये पॉइंट भी बाउंस रेट को डिक्रीज करने के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है, फोकस ऑन ग्रेट डिज़ाइन। बाउंस रेट को डिक्रीज करने के लिए बेस्ट डिज़ाइन का होना भी ज़रूरी है। आपको बेस्ट डिज़ाइन ही सिलेक्ट करना चाहिए। आपको डिफरेंट और मॉडर्न टाइप का डिज़ाइन बनाना चाहिए। अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको सिर्फ मॉडर्न टाइप के डिज़ाइन को ही सिलेक्ट करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप बेस्ट इमेजेस को सिलेक्ट करके अपने आर्टिकल को अफेक्टिव बनाएं। ये पॉइंट्स को फॉलो करके आप इजीली बाउंस रेट को कम कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक को किस तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से हम फेसबुक से ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं, वेबसाइट पर विजिटर्स को ला सकते हैं। फेसबुक जो कि सोशल साइट है, हमें किस तरीके से उसका यूज़ करना चाहिए और हम ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी चाहते हैं तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो पर विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स।